कैसा लगा भाई? लोग पसंद आया नहीं आया? अब देखो ये जो देख रहे हो ना, सॉर्ट ऑफ स्वर्ग की सीढ़ी, इसको चढ़ते हैं। वहाँ तक था मैं वहाँ पे था, वहाँ से आपने वो फुटेज देखा, यहाँ तक अपन आ चुके ऑलरेडी। और ये पर मैं इस धरनों का नाम चेंज करने वाला हूँ, धरनों से लेके रॉक्स डालने वाला। क्यों अयान? दिस इज रॉक्स से रॉक्स। सो इसने बोल दिया इस गाड़ी का नाम है रॉक्स, तो अब से भाई लोग इस गाड़ी का नाम है रॉक्स। जिला पंचायत फोर्टी ग्राउंड के एंट्री शुल्क 40 रुपीज़। 40 रुपीज़। आपका नाम भी है संजू। हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे? वेलकम बैक टू माय चैनल द मोटो वेलोसिटी। उम्मीद करता हूँ आपने लद्दाख सीरीज प्रॉपर फॉलो करा होगा, उम्मीद करता हूँ आपने बिंसर सीरीज प्रॉपर फॉलो करा होगा। इफ़ यू मिस्ड एनी ऑफ द सीरीज देन डू गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग से सीरीज थे वो। तो अभी मैं कहाँ आया हुआ हूँ? अभी मैं आया हुआ हूँ नीलकंठ पे। जी हाँ, नीलकंठ पे आया हुआ हूँ। और अभी यहाँ से जो वादियाँ आ रही है ना, जो व्यू आ रहा है यहाँ से इस बालकनी से, मैं वो दिखाऊंगा। उसके बाद फिर आपको प्रॉपर तरीके से गुड़गांव से यहाँ तक लेके भी आऊँगा। वीडियो के एंड तक बने ज़रूर रहना, क्योंकि आज के डेट पे इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू नीलकंठ एंड इफ़ यू आर प्लानिंग इट फ्रॉम दिल्ली NCR, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है हाउ द रोड्स आर ऑल अबाउट। कंस्ट्रक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ, बहुत ही सीनिक रोड है, बहुत ही अमेजिंग सा रोड है। रोड्स ऑलमोस्ट सारे बन चुके हैं, कुछ पैचेस ऐसे हैं जिसका कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, बट देन बहुत ही अमेजिंग सा आपका ड्राइव होने वाला है इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम देयर टू हियर। तो चलो शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। लेके आता हूँ मैं आपको गुड़गांव से लेके यहाँ तक। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू लाइक द व्लॉग ऑब्वियसली, एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड डू शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वंस। चलो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी आफ्टर दिस व्यू। तो भाई नहा धो के ब्रेकफास्ट करके फुल फैमिली के साथ निकल पड़ा हूँ। डेस्टिनेशन तो आपने देख ही लिया, और आपको पता है जब मैं जाता हूँ, ये देखो मेरा नेफ्यू, से हाय। हाय एवरीबॉडी, से हाय टू अद्वैत। हाउ आर यू? गुड गुड, से गुड। चलो ऐसे ही हंसते खेलते चलते हैं, अपने नेफ्यू के साथ खेलते खेलते चलता हूँ वहां तक, और आप सबको भी लेके चलता हूँ। वैसे प्लान था सुबह 8 बजे निकलने का, लेकिन आपको पता है थोड़ा लग जाता है, बस फैमिली जब आप निकलते हो तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो अभी बज रहे सुबह के 10 और मस्त धूप निकल चुकी है भाई, एकदम मस्त वाली धूप निकल चुकी है। गर्मी तो मतलब ऐसे आई है ना, ऐसे नहीं लगता कि जैसे सुनामी आ जाए अचानक से, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और अभी ETA है, तो जैसे कि आप देख सकते हो 4:30 बजे का ETA, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो चलो चलते हैं, क्रूज करते हुए चलते हैं वहाँ पे अपने, वो तो टैंक को आज नहीं ला पाए, लेकिन हाँ अपने धनों को लेके, अपनी सफारी को लेके चलते हैं वहाँ पे, और आप सबको लेके चलता हूँ वहाँ तक। लेट्स गो। ऑफिस टाइम में निकलने की डिमेरिट्स देख रहे हो ना, तभी जब निकलते हो ना सुबह सुबह निकल जाया करो, जैसे ही आप ऑफिस आवर्स को हिट करोगे ना, आपको जाम ऐसे ही मिलना है, आपका ETA ऐसे ही बढ़ जाना है। बाकी देखो यहाँ पे एक टेस्ट ड्राइव व्हीकल चल रही है, देखो BMW की, दिखी आपको? तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे इतने ट्रैफिक के बीच भी टेस्ट ड्राइव चल रहा है, मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल था, तो रेंज वगैरह चेक कर रहे होंगे BMW वाले। लेकिन व्हाटएवर सेड एंड डन यार, थोड़ा सा खाली मिला, चलते थोड़ा हश हश पे चलते, क्योंकि यार ऑफिस आवर्स में जाम तो मिलना है NH8 पे, क्या करे बता, क्या करे। आई टेक माई वर्ड्स बैक गाइज, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है, लेकिन वो टेस्ट ड्राइव व्हीकल नहीं है। इतना फंकी है ना, मतलब रेड ग्रीन ब्लैक ब्लू सब कुछ मिला दिया, तो ऐसा लग रहा था कि शायद टेस्ट ड्राइव व्हीकल ही हो, सामने से कुछ कवर ओवर लगा के चला रहे हो, पर हाँ वो किसी की गाड़ी है, और वो बहुत ही शिद्दत से आराम आराम से चला के अपना ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस चलो, तो भाई 200 साल के बाद
ट्रैफिक को चीरते हुए अपने धन्नों के साथ अपन दिल्ली के एक्सट्रीम कॉर्नर पर पहुंच चुके हैं, बॉर्डर एरिया तक पहुंच चुके हैं टुवर्ड्स नोएडा। और अभी अपन चढ़ने वाले NH 24 जो मेरठ एक्सप्रेसवे है, होपफुली भगवान की कृपा से रोड्स खाली मिलने चाहिए और फिर हम फटाफट अपने डेस्टिनेशन तक भी पहुंचने वाले हैं। तो चलो चैनल पे बने जरूर रहना, इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही पिक्चरस्क ड्राइव होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग से प्लेसेस दिखाने वाला हूँ। और अभी बस क्रूज पे डालता हूँ अपने धन्नों को और उसके बाद फिर क्रूज करते हुए यहाँ तक चलते हैं नीलकंठ। यहाँ पे आने के बाद मौसम थोड़ा चेंज हो गया। बेसिकली गुड़गांव में तो भाई बहुत धूप थी, एक्सट्रीम वाला धूप था, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार शायद बारिश होने वाली है। वो नहीं होता, लगता बर्फ पड़ने वाला है, तो वैसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद बारिश होने वाली है। बढ़िया है यार, थोड़ा सुकून मिलेगा, टेम्परेचर से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, और अगर पहाड़ों में भी हल्की फुल्की बारिश मिल जाए तो फिर क्या बात है यार, उससे बढ़िया बताओ। होपफुली आपको अभी तक का ड्राइव पसंद आ रहा होगा। ये देखो भाई को भी बोल दो, भाई भाई भी यहाँ पे हाय, आगे देख भाई आ गए यहाँ पे, यार चल क्या रहा है? ऐसे करना, ऐसे करना, करोगे? हाँ सर, ओके ओके, डन डन है। चलो बढ़िया, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ड्राइव पसंद आया। अभी तक का ड्राइव बहुत ही सूदिंग ड्राइव था और आगे वाला जो ड्राइव है वो और सूदिंग होने वाला है। अपने धन्नो ने ना, आपके भाई ने अपने धन्नो को इतने प्यार से चलाया, 19 का माइलेज दे रही है। अभी थोड़ी देर पहले 18.2 था, अभी वो बढ़ के 19 के आसपास हो गया, 18.9 हो गया। तो चलो कंटिन्यू करते अपने जर्नी को और लेके चलता हूँ आपको नीलकंठ तक। तो यार बहुत टाइम से गाड़ी चला रहा था और पेट पूजा भी करना था, बहुत भूख भी लग रही थी। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और सुबह सुबह अपन निकले थे खा पी के अराउंड 9:30 बजे के आसपास। तो अभी उतरते हैं, पेट पूजा करते हैं। एक ऐसी जगह पे रोका है मैंने जो सॉर्ट ऑफ एक ढाबा वाला कंसेप्ट तो है, लेकिन आपने महल वाला ढाबा शायद पहले देखा हो ना हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक महल वाला ढाबा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो। अगर आपने मेरा चक्राता वाला सीरीज देखा होगा तो जिस टाइम पे मैं गुड़गांव से चक्राता जा रहा था उस टाइम पे मैं यहाँ पे रुका था पहली बार और मैंने दिखाया था प्रॉपर फुटेज यहाँ का। ये जो महल वाला ढाबा है ये देखो, यहाँ पे यू गेट ब्रांड्स लाइक हल्दीराम्स, केवेंटर्स और फिर वो विला तो देख ही रहे हो आप। अपने को जाना है अभी, तो चलते अंदर पेट पूजा करते हैं उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपने जर्नी को। कैसा लग रहा है भाई, लोग इंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये बताना जरूर कमेंट करके। ये सीरीज बहुत ही एपिक सीरीज होने वाला है, आने वाले जो व्लॉग्स आएंगे वो बहुत ही एपिक आने वाले हैं। और वैसे इस व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अपने धन्नों को आज हम लेके चले इंस्टेड ऑफ आर टैंक, पर मैं इस धन्नों का नाम चेंज करने वाला हूँ, धन्नों से लेके रॉक्स डालने वाला। क्यों अयान, दिस इज रॉक्स से रॉक्स, तो इसने बोल दिया इस गाड़ी का नाम है रॉक्स, तो अब से भाई लोग इस गाड़ी का नाम है रॉक्स।
तो अपने पास एक रॉक्स और उसके बाद दूसरा टैंक और तीसरा तो हाईवे पे इतनी जाती नहीं है तो उसका नामकरण करेंगे बाद में कभी। चलो कंटिन्यू करते अपने जर्नी को और उसके बाद फिर लेके चलता हूँ आपको अपने डेस्टिनेशन तक। कैसा लगा भाई लोग कमेंट करके बताना जरूर। मतलब हर की पौड़ी से जो फुटेज आ रहा था, मतलब कैमरा विल नेवर डू जस्टिस कंपेयर टू व्हाट यू सी फ्रॉम योर नेकेड आईज। ये मैं बार बार बोलता हूँ, गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट चल रहा था बहुत टाइम से यार, कैन एक्चुअली सी द इफेक्ट ओवर हियर राइट नाउ। पूरा टर्कोइश कलर था यार, पूरा जो रिवर था ना, पहले जब आप आते थे तो ये वो थोड़ा ब्राउनिश कलर का लगता था या फिर वहाँ पे आपको पानी का फ्लो थोड़ा कम मिलता था, लेकिन अभी पानी का फ्लो आपने देखा फुटेज पे, बहुत ही प्रॉपर फ्लो था, बहुत ही मतलब करंट था, ऊपर से देख के लग रहा था पानी में और पूरा टर्कोइश इन कलर। होपफुली गंगा माता को मेरे इस व्लॉग के थ्रू आप लोग सबने प्रणाम किया, नमस्कार किया, मत्था टेका और उसके बाद हर हर गंगे करते हुए चलते हैं आगे। ज़्यादा दूर रहा नहीं यहाँ से, यहाँ से मुश्किल से 40 किलोमीटर और है अपना रिजॉर्ट, तो मोटा मोटा मान लो 1.5 घंटे के आसपास लगना चाहिए। और तो चलो चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने जर्नी को। और अगर ये फुटेज पसंद आया तो लाइक बटन हिट करना मत भूलना, डू हिट द लाइक बटन। बहुत देर से गाड़ी चला रहा था, अभी अपन पहुंच चुके ऋषिकेश और अभी मेरे पीछे जो व्यू आ रहा है वो राम झूला का व्यू आ रहा है। अगर आपको पसंद आएगा वो फुटेज तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू टेल मी योर थॉट्स अबाउट दिस प्लेस। थोड़ा चिल करते, थोड़ा इन्जॉय करते, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ। मतलब ऊपर गाड़ी पार्क करके फुटेज के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है रे बाबा। फुटेज दूंगा तभी तो आप मेरे को प्यार दोगे और तभी तो आप सब्सक्राइब बटन हिट करोगे और लाइक बटन भी हिट करोगे। ये पीछे अभी आप मैं आपको दिखाऊंगा दैट इज़ राम झूला और यहाँ पे अभी रिवर राफ्टिंग वगैरह चल रहा है, तो थोड़ा चिल मारते हैं यहाँ पे, थोड़ा फुटेज को एंजॉय करो, राम झूला को एंजॉय करो और उसके बाद मैं आपको सीढ़ियों के थ्रू लेके चलता हूँ अपनी गाड़ी तक और तब तक आप इस फुटेज को एंजॉय करो। कैसा लगा भाई लोग, पसंद आया नहीं आया? अब देखो ये जो देख रहे हो ना, सॉर्ट ऑफ स्वर्ग की सीढ़ी, इसको चढ़ते हैं, इसको चढ़ते चढ़ते सब गाड़ी के पास चलते हैं क्योंकि भाई अंधेरा होने वाला है। और मैंने सोचा है कि अपने सब्सक्राइबर्स को अपने रिजॉर्ट से, नीलकंठ वाला जो रिजॉर्ट है वहाँ से सनसेट व्यू दिखाने का। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो वहाँ तक था, मैं वहाँ पर था, वहाँ से आपने वो फुटेज देखा, यहाँ तक अपन आ चुके ऑलरेडी और ये ऊपर तक और जाना भी है, तो चलो चलते ऊपर तक, चलते गाड़ी के पास, कंटिन्यू करते अपने जर्नी को। और अगर आपको ये फुटेज पसंद आया, ये 360 डिग्री व्यू पसंद आया, देन डोंट फॉरगेट टू
हिट द लाइक बटन, लेट्स गो। होपफुली आपको अभी तक का फुटेज पसंद आ रहा होगा, जो अभी मैंने आपको दिखाया था राम झूला वाला, जो प्रॉपर 360 डिग्री व्यू था, होपफुली आपको वो पसंद आया होगा। अभी अपन ने ले लिया है कट। मैं अगर आपको दिखाऊं तो गाड़ी अपनी वहां पे खड़ी है और हम वहां से जो रास्ता आप देख रहे हो ना गाड़ियाँ आ रही है, वो सीधे वहाँ पर चली जाती है टूवर्ड्स केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर देवप्रयाग, टहरी, और फिर यहाँ से ये कट है और ये आपका ब्रिज है, ये जा रहा है आपका सीधा सीधा नीलकंठ के साइड। मैंने वो वाला कट ले लिया और मैंने यहाँ, मैं इसलिए यहाँ पे रुका क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ। आप ये फुटेज एंजॉय करो, मेरे जस्ट नीचे गंगा बह रही है और वहाँ पे रिवर राफ्टिंग का सीन चल रहा है, सब आराम से चिल मार रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और मैं सॉर्ट ऑफ एक बर्ड्स आई व्यू चाह रहा हूँ कि आप सबको दूँ अपने इस व्लॉग के थ्रू। तो इंजॉय करो इस फुटेज को, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते अपने जर्नी को। वैसे आप लोगों को तो पता ही होगा रिवर राफ्टिंग बेसिस किलोमीटर्स होता है, 8 किलोमीटर का ले लो या 12 किलोमीटर का ले लो या 24 किलोमीटर का ले लो, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही है, यहाँ से रिवर राफ्टिंग होता है और अलग ही वाइब्स है यार, अलग ही फील आ रही है लोगों को देखते हुए ना। मैं खुद तो ट्राई नहीं करूँगा, आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ वाटर गाइस। देख लो भाई, पहले ही बोल रहा हूँ, अपने को दिक्कत है पानी से, पानी में उतरने से अपने को दिक्कत है, अपन तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ बाकी को देख के भाई सेटिस्फैक्शन तो मिल जाती है ना, बस यू नो ये यहाँ पे होना चाहिए, आपको बस अपने दिमाग को ट्रेन करना है उसके अकॉर्डिंग। तो चलो यहाँ पे थोड़ा रुक के थोड़ा चिल मार के उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं अपने जर्नी को। यहाँ से ज़्यादा दूर रहा नहीं, यहाँ से मुश्किल से 12 किलोमीटर होगा। इफ़ यू लाइकिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस फुटेज, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। तो यार जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको एंट्री टिकट लेना पड़ता है और भैया से भी जान पहचान बन गई, भैया खुद ही बता देंगे अपने मुंह से यार कितने का एंट्री टिकट है। ये एंट्री शुल्क है, जिला पंचायत पोटीरोल के एंट्री शुल्क है 40 रुपीज़। आपका नाम भैया? संजू। संजू, तो चलो पे करते हैं अपना और उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। तो मैंने भैया से पूछा कि यार कितनी बार पर्ची कटवानी पड़ेगी ये बता दो मेरे को, क्योंकि मैं तो 4 दिन रुका हुआ यहाँ पे और चारों दिन मैं आना जाना करता रहूंगा। तो भैया ने बोला 1 दिन की 1 पर्ची। बॉस देख लो, कितनी बार भी आओ कितनी बार भी जाओ, चाहे पूरे इंडिया घूम के आ जाओ, सेम डे आपको पर्ची एक ही कटवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला यार इंडिया तो पूरे 1 दिन में घूम के आ नहीं सकता, लेकिन 4 दिन का मतलब समझ रहे हो ना। तो यार फाइनली अपन पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट पे। इस रिजॉर्ट का नाम है यक्षा रिजॉर्ट। यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो मैं दिखाऊंगा आपको 2 मिनट के बाद, उसको एंजॉय करना। मैंने प्रॉमिस किया था, आई नो आप बोलोगे यार तूने बोला था सनसेट का व्यू दिखाएगा, लेकिन यार अब क्या करें यार, पहाड़ों में जब आप आते हो तो हर जगह आपको मतलब ना चाहते हुए भी आप रुकोगे इन ऑर्डर टू यू नो चेरिश द वैली, चेरिश द व्यू दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर।
तो वो करते करते ना सनसेट, आपको पता ही है पहाड़ों में बहुत जल्दी हो जाता है, अभी मुश्किल से 6:15 बज रहा है, बदन सनसेट ऑलरेडी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत ही पसंद आया होगा, जिस तरीके से हम प्रॉपरली यार आराम से चिल मारते हुए ड्राइव करते हुए आए गुड़गांव से लेके ऋषिकेश होते हुए उसके बाद फिर नीलकंठ, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज के डेट पे रोड्स कैसे हैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली होगी उस चीज़ के बारे में। इफ़ यू लाइक द व्लॉग डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। तो चलो एंड करते आज के व्लॉग को यहाँ पे, मिलते अगले व्लॉग पे जो कि बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है, बहुत सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का प्लान किया है इस वाले सीरीज पे, ऋषिकेश वाले सीरीज पे। उम्मीद करता हूँ आप भी जुड़े रहोगे सीरीज में, ताकि आपको भी प्रॉपर तरीके से अपने चैनल के थ्रू घुमाता रहो। तो चलो इफ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वंस। मिलते अगले व्लॉग पे, टिल देन चीयर्स।